से हैं। बहुत बहुत बढ़िया। मुझे कुछ सामान लेना है, मैं चली जाऊँ। सामान ले क्या है ना जी? थोड़ा रुके। कैसे आप लोग? बस बस पे जा रही करके जाता ना आप? मिनट मैम, कल बहुत बड़ी घटना हुई, दुखद घटना हुई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? लता जी का डाइजेस्टेड एक्चुअली। क्या होता है ना कि हम लोगों ने काफ़ी सालों से उनके उनको देखते आ रहे हैं, उनके गाने, एवरग्रीन गाने सुनते आ रहे हैं, इतना प्यार सब लता जी को करते हैं। मेरी मॉम की वो फेवरेट थी, तो माय मदर कॉल्ड मी अप कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो कान से पूरी पूरी आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे क्रिमेशन सेरेमनी चल रहा था वहाँ पे थी, पूरी वर्ल्ड आई थिंक उनके साथ है। नाइट एंगल उनको कहते थे, हमेशा हम सब के दिलों में जीवित रहेंगे। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? समथिंग रियली गुड। आई एम जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ, कंट्रोलिंग जितने भी टेम्पटेशंस होती हैं, ये कर लो ये कर लो। आई एम जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ टू कम इन अ वेरी बिग एंड वेरी गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली, जो कि मुझे भी अच्छा लगे करते हैं और आप सबको भी अच्छा लगे। एंड बिग बॉस में किसी के साथ सिंगल सॉन्ग देख सकते हैं आपका? मैं अफसाना के साथ आप मुझे देख सकते हैं अभी। आई होप बिकॉज अफसाना के साथ जो मेरी दोस्ती रही है बिग बॉस के अंदर, सबको बहुत पसंद आई है, और हमारा जो सिस्टरली लव था वो सबको बहुत पसंद आया। आई होप मैं उसके साथ देख सकते। And old Balaji is also coming up with a good show, Lock Up, Kangana Ranaut host कर रही हो, तो आपको कुछ अप्रोच किया वहाँ से? मैं अभी बिजी हूँ, बट मुझे ऑब्वियसली पता चला है कि ऐसा चल रहा है, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है, मुझे पता चल गया है। आई थिंक कंगना विल बी अ वेरी गुड यू नो बीइंग इन दिस, जैसे लॉक अप जो शो है उसमें काफ़ी अच्छी वो होस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। शी इज़ वेरी पावरफुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं जाऊँ? जाए हाँ मेरे भाई, फोन आया।